कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं के साथ जो मार्च निकाला उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। वो कह रहे हैं कि अगर सबूत नष्ट हो गए तो दोष कैसे सिद्ध होगा। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए और उन्होंने कहा है ममता बनर्जी इज द रीजन बिहाइंड रेप एंड मर्डर इन कोलकाता। ममता बनर्जी इज द मेन रीजन। वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। शी शुड स्टेप डाउन, शी इज द मेन रीजन फॉर दिस स्टेट गवर्नमेंट रेप एंड मर्डर बाय आवर सिस्टर एंड डॉटर। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं शी इज द मेन रीजन। अब ममता बनर्जी एक तरफ सख्त कानून लेकर आ रही है रेप के खिलाफ, लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं शी इज द मेन रीजन। ममता जी, शुभेंदु अधिकारी आज के दिन आरोप लगा रहे हैं जब ममता बनर्जी तो एक सख्त कानून लेकर आई। जी सुचरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ और बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि आज का दिन भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इतने शर्म की दुख की बात है कि एक भारतवर्ष की महिला मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर के, जो स्वयं कटघरे में है डॉक्टर बेटी के केस में और बेटियों के दुराचार व्याभिचार के मामले में, वो पूरी ठसक के साथ एंटी रेप बिल तब लाती है जब उनकी कुर्सी खतरे में आ जाती है, जब पूरे का पूरा बंगाल उबल जाता है और सड़कों में आ जाता है, बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं लेकर के आती है और उसके बाद बंगाल में खड़े होकर के अर्थ के अनर्थ वाला भाषण देती है, पूरे भारत की बात करती है लेकिन वेस्ट बंगाल की बात नहीं करती है। बड़ी बड़ी बातें यहां पर करी लोगों ने। मैं ये बोल देना चाहती हूं पिछले 48 घंटे में 7 से ज्यादा रेप हो गए हैं वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर। क्या कर रही है ममता बनर्जी, आप एंटी रेप बिल लेकर के आ जाई है, आपको केंद्र का लाया हुआ है वो स्ट्रिक्ट सख्त बिल नहीं दिखाई दिया, आपने उसको वेस्ट बंगाल के अंदर लागू क्यों नहीं किया? अगर आपकी मंशा थी कि वहां पर बेटियों के साथ दुराचार विचार ना हो और जो भी रेपिस्ट हैं, जो भी दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इनकी मंशा कभी वो थी ही नहीं। मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा भैया कि मुख्यमंत्री स्वयं से अपने ही विरोध में सड़कों पर उतर गई है। किसको बचाना चाह रही है? दो तीन चीजें जरूर बोलना चाहती हूं। अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने बोला कि जो पीड़िता का परिवार है वो कह रहा है हमें ममता बनर्जी पर भरोसा है। अधीर रंजन चौधरी, अधीर बाबू ने बोला है आपके इंडिया अलायंस के नेता ने कि पीड़िता के परिवार को नजरबंद करके रखा है कोलकाता की पुलिस ने, वो बोल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हो पीड़िता के परिवार के नाम पर। ममता जी एक बात बताइए ना, अगर 36 दिन के अंदर सजा की बात कर रही है ममता बनर्जी तो ये तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून की बात कर रही है, तो इसमें आपको, मुझे लगता है इसमें समर्थन करना चाहिए आपको, इसके खिलाफ क्यों है? सुचरिता जी मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, मैं इनका जो इंटेंट है वो जनता के सामने रख रही हूँ। अगर इनको देना था तो सब, अगर इनको डॉक्टर बेटी को और वहां की बेटियों को न्याय देना था तो ये बिल 13 साल पहले ले आती, 13 साल से ये शासन में है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर बेटी के साथ गलत हुआ था तो उसके बाद डॉक्टर संदीप घोष जिसको पकड़ लिया है सीबीआई ने, अब एंटी करप्शन उनकी डिपार्टमेंट ने, उसको इन्होंने प्रमोशन क्यों दिया? और तीसरी जरूरी बात, जिस संजय रॉय को यहाँ पर बैठे हुए मेरे ये संजय भाई बोल रहे हैं कि वो आरोपी है, पता नहीं वो आरोपी है भी कि नहीं है, क्योंकि भाई अब जो एक एक जगह मुकर गया, अब जो खबर आ रही है वो मुकर गया, वो मुकर गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो मुकर गया है। अब संजय रॉय कह रहा है कि वो मरी हुई थी, खून से लथपथ थी जब मैं गया, अब वो उस समय सच बोल रहा था या इस समय सच बोल रहा था पता नहीं है, और मैं डर के मारे बाहर भागा हूँ। अक्सर ऐसे मामलों में ममता जी अक्सर रेप के मामलों में ऐसा होता है, बयान बदले जाते हैं, कई बार विक्टिम पीछे हट जाता है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर एक टाइम बाउंड समय में इसकी सजा की बात हो रही है दैट इज गुड, मुझे लगता है हम उसको सपोर्ट करें। लेकिन चंद्रमोहन जी जो बात ममता जी ने कही, ये इस सियासत के चलते क्या क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए कानून आया है? वरना अगर रक्षा की बात होती तो कानून पहले आना चाहिए था। देखिए मुझे तो पूरे आपकी डिबेट में सुचाता जी एक चीज दिख रही है कि एक हॉकी के मैदान के अंदर एक गेंद है, शायद मैं महिला कह देता हूँ, और दो पार्टियां एक भाजपा और एक टीएमसी, महिला कह सकते हैं, मैं सुन लो मेरी बात, एक जनरल दो पार्टी ठीक नहीं है ना, गेंद नहीं कर रहा ना, महिला कह रहे हैं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा ना, मैं बताना चाह रहा हूँ गेंद को मैं महिला कह रहा हूँ, उधर मेरी बात को बोले मुझे अच्छा नहीं लगा कंपैरिजन, हां बोले नहीं कह रहा, लेकिन दोनों पार्टियां हॉकी से उस पे खेल के गोल मारना चाहती है, लेकिन कायदे कानून के लिए कोई भी पार्टी स्टिक नहीं है। ठीक है, बेसिक मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि डीसीपी साहब ने कहा कि रेप होते हैं, और डीजीपी साहब ने कहा रेप होते हैं, और रेप हुए लगातार हो रहे हैं, हम कई डिबेट में बैठते हैं, लेकिन उसके बाद सख्त कानून अगर एक पार्टी लेके आ रही है
तो सेंटर क्या बैठा हुआ, आके बंद करके? ममता बनर्जी, ममता जी यहाँ पर कह रही है ना, एक कानून है सेंटर में, 8 बजे एक कानून है सेंटर में जिसके लिए उन्होंने, मेरा टाइम बहुत शॉर्ट रहा है तो बोले। अच्छा बोले बोले बोले, आज 8 बजे का टेरर कहाँ है वो, जो 8 बजे आके नोटबंदी कर सकता है टेरर, एक समय टेरर के अंदर GST हो सकती है, तो क्या आज 8 बजे आके एक ऐसा कानून सब स्टेट के लिए पास नहीं हो सकता महिलाओं के लिए, और वो ऐसा कानून पास हो जिसको सबको इम्प्लीमेंट करना पड़े? और फिर क्यों संदेश खाली की चर्चा होगी, फिर क्यों मणिपुर की चर्चा होगी, क्यों हाथरस की होगी, क्यों उन्माव की होगी, क्यों कोई सेंगर बचेगा, क्यों कोई ब्रिजभूषण बचेगा, क्यों कोई बदलापुर के अंदर 3 साल की बच्चों का करेगा? लेकिन अगर हम डिबेट करके ये तेरी सरकार या मेरी सरकार की तरह खेलते रहेंगे तो हर बार बैठे हैं, बार बार बैठे हैं, नहीं, बट वो लेकिन तो कुछ विषय पॉलिटिकल नहीं होते हैं चंद्रमोहन जी, वो आपके नेता भी कहते हैं, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को तो कोट मैं किया कि ये विषय पॉलिटिकल नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता प्रवक्ता हूँ, नहीं है पॉलिटिकल विषय इसके लिए। मैं आपसे सहमत हूँ इस बात के साथ, एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा, भले उस कानून से कोई बेगुनाह की जान जाती है जाए, एक एक सेंटर में कानून है, डरे नहीं। मैं इस बात से चंद्रमोहन जी से सहमत हूँ कि इसमें कोई मेरा कानून तेरा कानून या फिर इसमें ये एक ऐसा मामला है जिसमें आपको राजनीति से ऊपर उठकर देखना होगा, लेकिन हम देख पाते हैं क्या प्रियंका जी, वो कह रहे हैं कि आप लिए कानून पहले क्यों नहीं ले आए? अब एक कानून तो केंद्र में है, एक कानून केंद्र में है, प्रियंका जी, प्रियंका जी ने सुनिए, विमेन प्रोटेक्शन बिल जो है, भारतीय न्याय संहिता जो है, सब चीजों में महिलाओं के लिए ऑलरेडी बोला गया है, उसमें सजा के भी प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन जब हर राज्य को बोला जाता है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट इम्प्लीमेंट करिए, तो पश्चिम बंगाल फेल क्यों हुआ? मुद्दा यह है कि पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्यों नहीं है? सवाल यह है, सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगी, जब इस तरह के वाक्य होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, क्या उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो पूरे हिंदुस्तान का ना, वकील ही हो जाते हैं उस विक्टिम के अगेंस्ट में, और ऐसा हुआ है कई बार मैंने देखा है कि वो सब एकजुट होकर के खड़े हो जाते हैं और विक्टिम का विरोध करते हैं, तब ये सरकार कहाँ जाती है? तब ये सरकार कड़े कायदे और नियमों की बात क्यों नहीं करती? तब ये क्यों नहीं अपने वकीलों को कहती कि आप प्रोसिक्यूशन का काम है कि आप सजा दिलवाइए, जो सबूत है उसको देखिए, मगर ये एक तस्वीर है कांग्रेस के लिए, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो लोग आपके पास कुछ हुआ नहीं है, और देश में बलात्कार और महिलाओं के लिए अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उसे कभी भी, देखिए मैं तो निर्भया के समय से, मैं निर्भया के समय से ये देख रही हूँ, सुनिए, वो पैसे कमाने में लग जाते हैं। आज समस्या ये है कि आज भी एक तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसको जरा फुल फ्रेम दिखाइए एक बार, ये जो तस्वीर अभी देख रहे हैं, मैं चाह रही हूं मेरे सारे मेहमान इस तस्वीर को देखें, आज सड़कों पर एक बार फिर डॉक्टर उतरे, अब उसके लिए व्यवस्था बनाई थी ममता बनर्जी ने, वहां पर डॉक्टर आज फिर सड़क पर उतरे, अब थोड़ी देर पहले संजय जी कह रहे थे कि डॉक्टर मांग नहीं कर रहे हैं इस्तीफे की, डॉक्टर तो सराह रहे हैं पुलिस कमिश्नर का काम,